काले धन को लेकर भारत सरकार पूरी दुनिया में विरोध का माहौल बनाने में कामयाब रही है। G20 देशों और अमेरिका के साथ टैक्स चोरी के मामले में समझौते के बाद अब टैक्स हेवंस पर जहां भारी मात्रा में काला धन होने की आशंका है, आज केंद्रीय कैबिनेट ने सेशल्स के साथ टैक्स संबंधी जानकारियां साझा करने के फैसले पर मुहर लगा दी। काले धन पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। अमेरिका और G20 देशों के साथ काले धन पर जानकारियां साझा करने की पहल के बाद अब भारत सरकार का फोकस टैक्स हेवंस माने जाने वाले देशों पर है। स्विट्जरलैंड के बाद अब सेशल्स के साथ टैक्स संबंधी जानकारियां साझा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। काला धन को लाने की दिशा में हमारी सरकार सतत क्रियाशील है, सक्रिय है और आगे हम और देशों के साथ ऐसा करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में हम एक ग्लोबल इन्वायरमेंट बनाने में सफल हुए हैं, जहां G20 कंट्रीज, अमेरिका, उसके अलावा अब बाकी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और हम इस दिशा में काफी सक्रिय कार्य कर रहे हैं। सरकार G20 देशों में काले धन के खिलाफ माहौल बनाने की कामयाबी हासिल करने के बाद अब अमेरिका सहित तमाम टैक्स हेवन से सीधे तौर पर जानकारियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। 2017 के बाद रियल टाइम यानी तुरंत ही जानकारियां मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता करने का फैसला किया है। इससे कौशल विकास और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। दादर और नागर हवेली में 5% वैट लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।